भारतीय जनता पार्टी की जुलम की कहानी बोल रही है। आज जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सिरों पे सीधी लाठी मारी, महिलाओं के ऊपर पुरुष कर्मचारियों ने लाठी मारी, इनका सिर फोड़ दिया, डांडा जी का, सुखबीर जी का सिर फोड़ दिया, इनके पैर तोड़ दिया, किसी की कमर तोड़ दी, चारों तरफ लाठियां से भागियां जैसे दुश्मन देश के लोग आ गए। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ, वो गिरफ्तारी जिसपे पिछले 2 साल से 1,500 अधिकारी लगे हुए हैं एक फर्जी घोटाले को जांच करने के लिए, कम से कम कई सौ जगह रेड कर दिए, आज तक कहीं 5 पैसे भी नहीं मिले। अब यही रहेंगे, आगे नहीं, यही रुके रहेंगे। देखिए, हम ये संघर्ष करते रहेंगे, हम सड़कों के ऊपर है लगातार, ये हमारे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जाऊंगा तो सरकारी एम्बुलेंस में, नहीं तो चाहे यही मर जाए। रणनीति रहेगी सर, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्टर बोंड का घोटाला छिपाना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से हटाना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तोड़वाना चाहती है, परंतु इनकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। ये जेल में भेजेंगे, हम जेल से सरकार चलाएंगे, ये को गिरफ्तार करेंगे, हम 1,000 आगे आएंगे। कुरुक्षेत्र की धर्मनगरी गवाह बनी है, जिस तरीके से अधर्मी सरकार ने लाठियां बरसाई हैं, मुझे बताइए कौन सी लोकतांत्रिक सरकार प्रदर्शनकारियों पर इस तरीके से लाठियां बरसाती है, सिर फोड़ दिया, सीधे लाठी सिर में मारी है। क्या हम इनको अपने दुश्मन नजर आते हैं? क्या हम इनको देश के दुश्मन नजर आते हैं जो सीधे सिर पे लाठियां मारते हैं? पहले कायरतापूर्ण कार्रवाई करके केजरीवाल जी को रात के अंधेरे में एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी मुकाबला नहीं कर सकते केजरीवाल का, इसलिए उनको रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया। और अब जब पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कुरुक्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं की टांगे तोड़ दी, सिर फोड़ दिए हमारे, इस तरीके से हमारा खून बहाया, और महिला कार्यकर्ताओं को जेंट्स पुलिस कर्मियों ने गिरेबान से पकड़ा। इस तरीके का अन्याय, अधर्म और अत्याचार कुरुक्षेत्र की जमीन देख रही है, लोग इनको करारा जवाब देंगे, पूरे देश में लोग इनको जवाब देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जानते हैं आज और पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई, पूरा सहयोग, पूरा हर प्रकार से सहयोग बरता गया, कुछ मामूली जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि हालात अगर यदि ये ना प्रयोग किया जाता ज़्यादा बिगड़ सकते थे, तो मैजिस्ट्रेट द्वारा जो है स्थिति को आकलन करके वो छोटी मोटी फोर्स का यूज़ किया गया है, वो हल्की फुल्की चोटें हैं दोनों तरफ से, मुलाजिमों को भी चोट थी और जो एजिटेटर्स थे उनको भी। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे और सर कहाँ पर कर रहे थे? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है सेक्टर 3 में, जबरदस्ती जो है इनके अंदर सेक्टर के अंदर जो गली है, जो घर है, वहाँ जाने के प्रयास किया और बड़े प्यार से समझा के लगातार इनसे बातचीत भी चली, एडवांस में भी समझाया, इनको जगह भी चिन्हित कर रखी है कि सामने आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शरारती तत्व बीच में थे जिनका उद्देश्य ही ये था कि टकराव। काफी मुलाजमों को भी मामूली चोटें आई हैं, जो तितर बितर जब किया गया भीड़ को, तो इसकी सारी जांच की जाएगी। राउंड अप भी किया, सारी वीडियो है अभी हम अपलोड कर रहे हैं, अभी स्टेज पे बताना मुश्किल है, थोड़ी जल्द काफी जल्द आपको सारी स्थिति। आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, वो भी घायल हुए हैं, अनुराग डंडा भी घायल हुए हैं, अभी वो गए हैं हॉस्पिटल, दोनों तरफ से घायल है, अभी जो भी इसकी पूरी डिटेल में जांच की जाएगी। सर राउंड अप सारी फुटेजेस हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देख के कुछ कार्यकर्ताओं को राउंड अप किया, अभी मैं इसका एग्जैक्ट कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहेंगे, कुछ यहाँ खड़े हैं। ये मेरा यही मैसेज है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आपको डेमोक्रेसी है, सबको प्रोटेस्ट करने का राइट है, लेकिन वो डेमोक्रेसी की जो मर्यादा है, कानून व्यवस्था की मर्यादा में आप प्रोटेस्ट करें, ये मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील।